तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से, सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। साफ तौर पर कहा गया कि 11 लाख उपभोक्ताओं को इसका सीधे तौर पर फायदा होगा। इस पर हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल करण नंदा, जो कि सैप मीडिया प्रभारी है बीजेपी के, और नरेश चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। करण नंदा जी, क्योंकि आज सीएम जयराम ठाकुर ने कई बड़ी घोषणाएं की है, और उसमें से बड़ी घोषणा ये है कि 11 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। चुनावी वर्ष में प्रवेश करते ही सीएम ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे किस प्रकार से जो है ये घोषणा की गई है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि बिजली को लेके कोई घोषणा होगी, पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो है वो जनता के साथ जुड़े हैं और रिस्पॉन्सिव मुख्यमंत्री है। जिस प्रकार से उनको काफी टाइम से फीडबैक आ रहा था कि बिजली महंगी लग रही है, जनता की डिमांड थी कि बिजली को सस्ता किया जाए, और उन्होंने आज हिमाचल राजस्व दिवस का दिन चुना और ये एक तोहफा 11 लाख उपभोक्ताओं को दिया जिनके पास घरेलू ये अपने बिजली के कनेक्शन है। आप देखिए 60 यूनिट के ऊपर एक रुपया भी जो है वो सरकार चार्ज नहीं करेगी, ये ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। और 125 यूनिट जो आपके हैं, जो पहले 1.90 रुपए के हिसाब से चार्ज होते थे, आज 1 रुपए के हिसाब से चार्ज होने जा रहे हैं, तो तकरीबन 45 से 50% का जो है ये राहत जो है वो जनता को मिल रही है। पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी केवल यही नहीं रुके, उसके साथ साथ वो किसानों की ओर भी बढ़े, और 75% लोग हिमाचल प्रदेश के कृषि से जुड़े हुए हैं, और उनके लिए उन्होंने जो 50 पैसे प्रति यूनिट की बिजली लगती थी, आज 30 पैसे कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ा राहत जो है वो किसान वर्ग को मिली है। बड़ी राहत यहाँ पर मिली है करण नंदा की तरफ से कहा जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नरेश चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश चौहान जी, आज सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई और ऐतिहासिक कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, ये भी बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है, उनके इस फैसले को किस तौर पर आप देखते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि हम हिमाचल प्रदेश में चुनाव वर्ष में हैं और इसी साल हिमाचल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस मुख्यमंत्री की और सरकार, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो पिछले बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं हिमाचल प्रदेश में, जिस प्रकार का प्रदर्शन सरकार का रहा, वो अपना खाता नहीं खोल सकी, तो मैं दावे के साथ ये मान सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और सरकार दबाव में है, कि लोगों का जो समर्थन हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने खोया है। अब ये चुनाव वर्ष में इस प्रकार की घोषणाएं मुझे लगता है आगे भी और होती रहेगी, क्योंकि उसका ये चुनाव वर्ष की जो घोषणाएं होती है जनता भी इसको समझती है, ये चुनाव से संबंधित ही होती है। अगर मुख्यमंत्री जी की मंशा लोगों को मदद करने की थी, तो ये कुछ ये फैसले 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले भी हो सकते थे। तो एक बात तो तय है कि चुनाव वर्ष है, घोषणाएं होंगी, और घोषणाओं को जनता कैसे देखती है कि इसका अभी तो इसका मॉडल क्या है, कि 60 यूनिट किस तरह से होंगे, अगर 60 से ऊपर बढ़ जाए 5 यूनिट तो उनकी एलिजिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। और खास तौर पे मेरा एक सवाल है भाजपा के मुख्यमंत्री जी से भी और भाजपा से भी, कि जो सरकार हर महीने कर्जा लेके चलती हो, उस सरकार में मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए था साथ ही, कि ये जो बजट का खर्चा जो हम पे पड़ेगा, इसका जो राहत है वो कहाँ से इस बजट को। लेकिन सीएम का तो ये कहना है कि कर्जा कांग्रेस की देन है। नरेश चौहान जी, सीएम जयराम ठाकुर ने और बीजेपी के नेताओं की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि कर्जा कांग्रेस की ही देन है। नहीं, सवाल ये है कि आप 4 साल से चला रहे हैं, हर महीने आप कर्जा ले रहे हैं उस जनता के सामने, हमारा अधिकार है, जनता का भी अधिकार है कि जो आप इलेक्शन के टाइम जो घोषणाएं करेंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा, ये हम जानना चाहते हैं। हम ये ठीक है, सवाल ले लेते हैं। करण नंदा हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे सवाल पूछ लेते हैं इसको लेकर। करण नंदा जी, कांग्रेस प्रवक्ता का साफ तौर पर ये कहना है कि चुनावी वर्ष है क्योंकि, और इसलिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, धरातल पर कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में विराजमान थी तो उस समय भी घोषणाएं की गई थी, तो कांग्रेस से मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस ने भी सिर्फ सत्ता में आने के लिए घोषणाएं की थी? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही है वो बिल्कुल धरातल पर काम कर रही है, लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से उनके विषय जो उनके सामने आते हैं,
और आने के बाद उसके ऊपर नीतिगत निर्णय लेके उसको ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर एक एफिडेविट के तौर पर जारी किया जाता है, वो एक बहुत बड़ी बात है कि धरातल का काम हो रहा है। इसलिए मैं ये बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि कांग्रेस बोल रहे धरातल पर काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं ये लाना चाहूंगा सामने कि ये विकास की बात करते हैं तो आप बताइए कि विकास में कहाँ कमी रही। आज फोर लेन रोड बन रहे हैं, कितनी घोषणा हुई है इसको धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास हो रहा है। आप देखिए कितने एयरपोर्ट्स बने हैं, हेलीपोर्ट्स बने हैं, एक आधुनिक रूप की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश चल रहा है। और आत्मनिर्भर भारत की सेंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से स्टार्टअप्स के माध्यम से और स्वावलंबन योजना के माध्यम से रखी जा रही है। नीतिगत तौर पर बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और कांग्रेस की तो आदत है कि विडंबना में जो है आलोचना करना, कि जिस प्रकार से ये काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसके सिर्फ एक नेगेटिव रिमार्क पास करके जनता को गुमराह करना जो है वो कांग्रेस की फितरत रही है। तो इसमें एक भी जो है ये आरोप जो है ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए इनको लग रहा है कि हम जो है परमानेंटली जो है आउट ऑफ पावर जा चुके हैं। तो इन पावर आने के लिए अपना रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सवाल एक ये भी है करण नंदा जी, क्योंकि अगर आपने जिस तरह से बताया कि विकास प्रदेश में लगातार होता जा रहा है, अगर प्रदेश में इतना ही विकास हुआ तो उपचुनाव में आखिर बीजेपी क्यों हार गई, ये भी बड़ा सवाल। लेकिन नरेश चौहान जी, मीडिया सह प्रभारी बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदेश में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखो हमें क्या देखना है, प्रदेश की जनता को क्या देखना है और जनता ने क्या देखा चार साल तक और उसके बाद जनता ने क्या फैसला किया, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर विकास की बात करते हैं, जो इन्होंने दो बातें की मैं उसी पे उनको काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि नितिन गडकरी जी तकरीबन 6 साल पहले जब चुनाव का दौर था हिमाचल प्रदेश में आए, मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि 60,000 करोड़ रुपए के 69 नेशनल हाईवे की घोषणा करके चलेंगे। अब 4 साल का वक्त हो गया इनकी सरकार को, डबल इंजन की जो है सरकार की बात करते हैं तो आज बताना चाहिए इनको कि उसमें से कितने हजार करोड़ रुपया खर्च हुए नेशनल हाईवे में और कितने सड़क वो आज तक बने हैं नेशनल हाईवे, ये बताना चाहिए। और ये बोलते हैं एयरपोर्ट्स बने, मोदी जी ने शिमला से एक उड़ान योजना का जो शुभारंभ किया कि चप्पल वाले लोग यानी कि गरीब चप्पल पहनने वाले लोग हवाई यात्रा में जाएंगे, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आज तक बताएं कि शिमला से कितने लोग आज तक इस योजना में उड़े, कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया और कितने लोगों ने चप्पल पहने हुए थे। ये वक्त है सरकार को अपनी योजनाओं को बताने का, केवल कागजों में भाषणों में विकास की बात करना जमीन पे जीरो, तो ये जनता प्रदेश की जनता सब समझती है, जागरूक मतदाता जागरूक वोटर है हिमाचल प्रदेश का, तभी ये जीरो पे रुक गए हैं उपचुनाव में। अब ये चुनाव का वर्ष है, अब ये घोषणाएं करके ये जानते हैं मुख्यमंत्री कि आगे हम होने नहीं है और ये सारा बोझ जो अगली सरकार पर जाएगा। ठीक है, तो ये तो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में घोषणाएं सरकार की तरफ से की जा रही है, ये कांग्रेस का कहना है और बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि प्रदेश में निरंतर विकास हो रहा है और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और इसी तरह से विकास जो है वो बीजेपी की सरकार में हुआ है और आगे भी होगा। शुक्रिया आप दोनों का जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए।